तरह से फिर एक शायर को एक नाटका को आपके सामने पेश करता हूँ, एक बापामाल नाटका को आपके सामने पेश करता हूँ। उसका अंदाज, उसका तरन्नुम, उसका तकल्लुम आप सुनिएगा तो आपको अंदाजा होगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो एकदम 100% 100% सच है। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ और उसे बुलाता हूँ कि राहिए ला मका की बात करो, राहिए ला मका की बात करें, रहबरे इंसो जा की बात करें, राहिए ला मका की बात करें, रहबरे इंसो जा की बात करें, आइए झूम झूम कर लोगो, आइए झूम झूम कर लोगो, अर्श के मेहमा की बात करें। हजरत, आज हम यहाँ जो बातें कर रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ सुन रहे हैं, वो उन्हीं के सदके में, उन्हीं की बातें, उन्हीं की तारीफ, उन्हीं की मदोसताइश, उन्हीं का सब कुछ, उन्हीं की सीरत, सब कुछ वही उन्हीं का बयान करने वाले हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो अल्लाह का महबूब है, जो हम सबका वाली है। मेरी मुराद है अब इस वक्त बुलाने वाले शायर का नाम मैं लेने जा रहा हूँ। मेरी मुराद है जमशेद अनवर से। जमशेद अनवर एक खूबसूरत तरन्नुम का मालिक है आपके सामने, और मुझे उम्मीद है कि आप जैसे अब तक महसूस हुए हैं उससे कुछ ज्यादा ही महसूस होने वाले हैं। जमशेद अनवर माइक पे। मुअज्जज हाजरीन, सदरे मोहतरम, नाज़िमे मुशायरा, डाइस पे बैठे उलमा इकराम, शोरा इकराम, अस्सलामु अलैकुम। आइए हाजरीन, मैं बिला किसी तंबीद के नाते पाक का मतला हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाजा करें। हाजिर करता हूँ मोजेज़ा, मोजेज़ा, गिरामी मैं मसला दोबारा पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा करें। मोजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, आपने कतरे को दरिया, आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया, मोजज़ा मेरे नबी का कह दिया करता हूं। आप तमामी हजरात के हवाले से बतौर खास मुलाजा करें। आप दीदा थे बवक्ते असर जब हजरत अली, आप दीदा थे बवक्ते असर जब हजरत अली, आप दीदा थे बवक्ते असर जब हजरत कह दिया तो हो गया।
एक शेर पेश करता हूँ मुलाजा करें। हाथ में तलवार लेकर आए जब हजरत उमर, हाथ में तलवार लेकर आए जब हजरत उमर, हाथ में तलवार लेकर आए जब हजरत उमर, कह दिया तो हो गया। एक शेर पेश करता हूं आप तमामी हजरात के हवाले से, बतौर खास मुलाजा करें। मुस्तफा से है आपको प्यार कितना देखिए, मुस्तफा से है खुदा को प्यार कितना बतौर खास दुआ के साथ मुलाजा करें। मस्जिद नबवी से लेकर आपके मिंबर तलक, मस्जिद नबवी से लेकर आपके मिंबर तलक, मस्जिद नबवी से लेकर आपके मिंबर तलक, सुभान अल्लाह मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। आपने कतरे को दरिया, आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। सलाम अलैकुम। कहने भाई बहुत को किसी को दोबारा सुनना है तो जिस तरीके से आवाज लगाई जाती है वैसे लगाएंगे, तब तो हम उन्हें बुलाएंगे या वो रुकेंगे। एक आदमी यहां से, एक आदमी पीछे से, एक आदमी बीच से बोलेगा तो कैसे काम चलेगा। अगर दोबारा सुनने की ख्वाहिश होगी तो ज्यादा जब आवाज आएगी तब बुलाया जाएगा। उनको दोबारा फिर बुलाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आज हमारी फेरिस्त बहुत लंबी नहीं है। हमने मखसूस शोरा को आपके सामने पेश करने की कोशिश की है और वो सब यके बाद इगरे अपना अपना कलाम पेश करेंगे, और जब आखिर में वक्त बचेगा तो आप जिसे कहेंगे उसे आपके सामने पेश करूंगा और आप जी भर के सुनिएगा। हजरत
हमारे मेहमान डाइस पे बैठे हुए हैं, अजम शाकरी साहब बैठे हुए हैं, दिल खैराबादी तशरीफ ला चुके हैं वो भी बैठे हुए हैं, असद मौली साहब भी आ गए जिन्हें असद आजमी के नाम से आजकल जाना जाता है वो भी आ चुके हैं तशरीफ रखते हैं, और शमशेर जहाना गंजी भी तशरीफ ला चुके हैं, और सबसे बड़ा मऊ के शायरों में नाम अचानक मऊवी का वो भी तशरीफ फरमा है। हजरत आज हम उनका तंजो मजा नहीं उनकी नात सुनेंगे, और उनकी नात में जो मजा है जो उनकी नात में जो कमाल झलकता है वो आज हमें देखने को मिलेगा। वो मजा के अशार नात जिस तरीके से गजल के कहते हैं उसी तरीके से जब नात भी कहते हैं तो हमें हमारे होठों पे मुस्कुराहट आ जाती है, हमारा दिल हंसने पे आमादा हो जाता है, उनकी नाम सुनकर भी हमारे चेहरों पे खुशी आ जाती है। आइए हजरत इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए, मगर वो तकाजा मेरा पूरा नहीं हुआ जो मैंने आप लोगों से तकाजा किया था कि शायर का अगर कोई भी शेर अच्छा लग रहा है तो उसे दादो तहसीन से नवाजना बेहद जरूरी है, उसको हौसला देना बेहद जरूरी है, क्योंकि जी भर के पढ़ने के लिए, जी लगाकर पढ़ने के लिए, आप लोगों को खूब महसूस करने के लिए दादो तहसीन की शायर को बेहद जरूरत है, बल्कि मैं समझता हूँ कि जरूरी है, अगर उन्हें दादो तहसीन न मिले तो वो जी भर के पढ़ ही नहीं सकते, कोई भी शायर नहीं पढ़ सकता। तो आप लोगों से मैं फिर वही तकाजा करूंगा कि शायरों की हौसला अफजाई फरमाएं और सुभान अल्लाह और माशा अल्लाह की सदाएं बुलंद करें। यहाँ तो एक और रिवायत है कि जब कोई शेर अच्छा लगता है तो यहाँ नारे तकबीर की सदाएं बुलंद की जाती हैं, लेकिन अभी तक वो शुरू नहीं हुआ है, मैं चाहता हूं कि अब शुरू हो जाए, इसलिए मैं अब वैसे ही एक शायर को आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। और उससे पहले मैं एक बार आप लोगों को याद दिलाता हुआ आगे बढ़ना चाहता हूं कि आज के इस प्रोग्राम के सरपरस्त हैं आली जनाब मोहम्मद सालेह साहब, और सदारत के फराइज अंजाम दे रहे हैं वालिद मोहतरम जनाब मुंशी अब्दुल्ला मंजर साहब, और इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हैं जनाब तैयब पालकी साहब, मेहमान एजाजी जमाल अरपन साहब, और इस प्रोग्राम के इस्तकबालिया कमेटी के सदर हैं हाजी इरशाद अहमद साहब शारदा, और उनके रुफका में हाजी इफ्तिखार अहमद पानियर, मुंशी सिराज अहमद जियाउर रहमान पहलवान, अताउल्ला मेंबर, सगीर अहमद मनोरंजन, फैज अहमद ठेकेदार, अरशद नेता, लियाकत अली मेंबर, बबलू गल्ला, अजीजुर रहमान बबलू, इम्तियाज अहमद मन्ने, जावेद रंगी, जावेद हैदर, रवि चचा, डॉक्टर जमील खान, शकील बिल्डिंग, अफजल साले, और शमीम इराकी और ताबिश इराकी, ये इस्तकबालिया कमेटी के मेंबरान हैं, और इंतजामिया कमेटी में भी चंद नाम हैं, मोहम्मद ताज, शाहनवाज आतिफ अद्दास, हबीबुर रहमान बाबू, असद कलीम, रईस आलम नेता, असद जमाल, सगीर अहमद मुन्ना, सगीर अहमद बड़क, मोहम्मद दानिश, अकील अहमद, मोहम्मद आसिफ, अफजाल अहमद लालू, मजहरुल इस्लाम, मोहम्मद असलम कोटा, मोहम्मद आरिफ माया, मोहम्मद अकरम नेशनल, जफर अहमद चाय और मोहम्मद आमिर, और इनके अलावा पूरा मोहल्ला लगा हुआ है इस प्रोग्राम के लिए, बड़ी मेहनत की है तमाम लोगों ने, मैं इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ इस खूबसूरत और नूरानी प्रोग्राम को सजाने के लिए, उनका मैं बहुत